आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमानों से। दोस्तों, अगर ड्रीम कार्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है फेरारी का। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको फेरारी की सवारी करवाई जाए। बट वेट अ मिनट, फेरारी इज अ टू सीटर, और मेरे साथ है बमन ईरानी, शर्मन जोशी एंड डायरेक्टर राजेश मापुसकर। बट डजंट मैटर, ऐसी एस्टीम कंपनी है तो वील स्क्वीज आर सेल्व्स इन एंड गेट रेडी फॉर फेरारी की सवारी। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सर। ये सवारी कैसी रही मैं डायरेक्टर साहब से पूछूंगा। जॉयफुल। कितनी जॉयफुल? द जॉय इज स्टिल ऑन। अच्छा, मतलब नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है? एक्चुअली बिल्कुल नहीं है, बहुत सेटिस्फैक्शन है। एक तो बनाने का, और बहुत क्यूरियोसिटी है कि कल जब ये रिलीज होगी तो लोगों की क्या रिएक्शंस होगी। आई एम वेरी क्यूरियस, आई डोंट फील कि इसका सक्सेस फेलियर क्या होगा, बट आई एम जस्ट क्यूरियस कि लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, कहाँ पे हंसेंगे, कहाँ पे इमोशनल होंगे, क्या बातें उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि इतने ट्रायल्स हो गए। तो ट्रायल्स में भी जिस जगह पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, उस जगह पे लोगों को कहीं रोना आ गया, कहीं हंसना आ गया, कहीं उनको कुछ चीज़ें अपने लाइफ से कनेक्टेड लगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुलती है। तो मैं कुछ सीन्स तो मैंने ऐसे सोचे नहीं कि इस तरह से लोगों को वो टच करेंगे, पर वो ट्रायल के बाद आके कहते कि ये वो अच्छा लगा, ये टच किया, यहाँ पे रोना आया, यहाँ पे हंसना आया। तो मैं बहुत अभी क्यूरियस हूँ कि जब ये ऑल ओवर वर्ल्ड जब खुलेगी, ओपन होगी, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। आई एम वेरी क्यूरियस। शर्मन, वोंट यू से दैट फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर कॉन्फिडेंस भरपूर है? ओहो, भरपूर है, रूथलेस है। अच्छा, 30-40 ऑडिशंस, 2 महीने लगातार, बहुत बहुत मजा आया। द प्रोसेस वाज ग्रेट। राजेश इज रियली, व्हाट इज वंडरफुल इज ऑब्वियसली व्हेन द डायरेक्टर, उनकी विजन क्लियर रहती है, यू नो व्हिच ही नोज व्हिच पाथ ही वांट्स टू टेक, एंड देन यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट, आपका काम और भी आसान हो जाता है। इस कैरेक्टर को, जैसे मैंने कहा, टू गेट इन टू द एंड गेट द बेरिंग्स, एंड थैंकफुली हैड द पेशेंस टू अलाउ मी दैट स्पेस ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स। 30-40 ऑडिशंस, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो कैरेक्टर के थे ही थे जो हमें वर्क करना पड़ा, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली तो इमोशनल क्वोशेंट, उसकी सेंस ऑफ हैप्पीनेस, उसकी सेंस ऑफ ऑनेस्टी, ऑलवेज स्माइलिंग एंड जेंटलनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो सारी सारी ट्रेड्स फॉर ओनरशिप पाना टुक सम डूइंग, बट बहुत मजा आया। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर राजेश फॉर कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग मी एंड पुशिंग मी टू द एज टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। बमन जी, आप बताइए, पारसी कैरेक्टर, पारसी किरदार आप प्ले कर रहे हैं इसमें, तो मतलब केक वॉक था? हर पारसी देबू जैसा नहीं होता, और मैं हर पारसी की तरह रियल लाइफ में नहीं हूँ, और मैं बेदेबू की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तो आखिर में पारसी हो या सरदार हो या साउथ इंडियन हो या बंगाली, इंसान की एक इंडिविजुअलिटी को पकड़ के हमें एक कैरेक्टर क्रिएट करना है। फिर आई थिंक अगर बोलेंगे कि पारसी है तो चलो ठीक है, मैंने पारसी जेंटलमैन को के साथ, मतलब बट दैट इज जस्ट द वे दे स्पीक्स मे बी, बाकी सब तो करना ही पड़ता है। कैसे सोचता है ये आदमी, क्यों इतना, कितने गुस्से में है, क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों अपने बेटे को इतना तकलीफ देता है। आप इस फिल्म में, फिरारी की सवारी में, यू प्ले अ वेरी ऑनेस्ट पारसी मैन। जी, रियल लाइफ में आप ऑनेस्टी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? I try to be as honest I can, कभी-कभी dishonest होते हैं आप? हो जाता हूँ, I'm sure होता भी हूँ और हुआ भी हूँ। मिसाल के तौर पर ऐसी कोई खास white lies तो मैं बोलते रहता हूँ, where if it's going to help a situation, एक white lie बोलने में कोई बुराई नहीं। And if it's going to help you? If it's going to help me also, white lie, as long as it's not harming anyone, it's all right. एक किस्सा बताइए जब आपने झूठ बोला and you got your way through. Immediately to think of something like that, I really can't think of. मैं बोलता हूँ। He's just trying to say that he's a very honest guy. मैं बोलता हूँ। हाँ, बोलो बोलो बमन। कल ही तो तू बोला था मुझे about that कोमल जी के बारे में, तू बोला। या he said that कोमल is a very nice guy. तू भी तो था, सफेद झूठ। जिस तरह आपने कहा white lie. It helped the situation. Yeah, it helped. मुझे मेरा जवाब मिल गया और दर्शकों को मजा आ गया। We are here for that only, sir. Exactly. How much fun does your film have, Rajesh? How much fun? I can't wait, but there are a lot of moments which are
funny when you're watching it. Okay. But not funny for the characters inside. Because they're in a situation, they're stuck in a situation. And they are in a bad shape. But the situation is such, as an audience, when you watch, you laugh. You find it funny. You said, wow, bechare phas gaye. You know, so that way, there are many situations in the film. So it's not a played as a comedy. So it's not like, it's a situation which puts those characters into a tight spot and that gives you joy and fun. Okay, and that gets the humor. That gets the humor. मुझे एक और चीज बताइए, with such talented actors as Sharman and Baman, मतलब एक फिल्म बनाना आसान हो जाता है? या अगर talented director हो तो फिर क्या? इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. आपके लिए आसान हुआ क्या? अभी white lie बोलूँ? White lie बोलना पड़ेगा और क्या? Rajesh is right. Rajesh is right. Since we decided to have fun, so I'm just saying it. So excuse me. No, no. He's right. There's no question about that. It's no, the truth. It's actually it's easy. Mm-hmm. It's easy because they just don't come as an actors. They come as friends. Okay. As I was also mentioning in earlier when we were discussing that this film is actually a crescendo of my friendship with all these guys, with Raju, with Vinod sir, with Baman, with Sharman, you know. And I think we all friends, even my team, my crew members, my EP Bimal Oberoi, my associate Maheep Dillo, my first AD Karan Tejpal, they're all friends. Okay. There is no crew member as such, you know, so they, all of them, I mean, they actually... So, you don't have data for friends, friends. What data? Now, it feels good. Friends, yeah, heart, friends. What did you hear on the set? Who did you hear the most data? Who did you hear the most? Charman, who did you hear? What data? Rajesh is wonderful. He's taken care of this film and all of us with so much love. I have worked with 22 first-time directors, debut directors. It's like maybe some kind of record. Yeah, it's a 22 superb record. 22? And sub directors, fifth day pe bimar pad jate. Kuch na kuch ho jata. Ye bimar pada film ke completion ke baad. Lekin film ke dauran, he bahut hi khush mishaj rehte the, happy rehte the. Aise aise karte karke set pe sabko welcome kare the, bithate the sabko. Aise hi haske sabko, matlab scene mein ye karna hai. We were cracking jokes and all. Yeah. But, main ye manta hu. कि थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम फिल्म टीवी इज अ प्रोड्यूसर्स मीडियम एंड फिल्म इज डेफिनेटली अ डायरेक्टर्स मीडियम ही हैज टू गिव पार्ट ऑफ हिज हार्ट एंड सोल एंड बेयर हिमसेल्फ और वी सी राजेश इन द फिल्म लाइक यू सी राजीव हिरानी इन हिज फिल्म्स दोज विल बी द मोस्ट ऑनेस्ट फिल्म्स एवर देयर वाज अ डे आई थिंक वी वर देयर वाज अ डे एक दिन एक सीन वेरी इंपॉर्टेंट सीन जब मैं सूट पहन के निकलता हूँ और सेट पे एक बैकग्राउंड एक स्कोर राजेश वाज प्लेइंग और एक वॉल्यूम पे एंड जस्ट बिफोर द टेक क्लैप ऊपर आया हाथ में तो म्यूजिक सॉफ्ट कर देता था एंड वी इनएक्टेड दैट सीन कुछ मैजिक हुआ था मेरे हिसाब से वेरी फ्यू टाइम्स इन माय लाइफ एज एन एक्टर आई फेल्ट व्हाइल परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट आई एम फ्लोटिंग ऑन द सेट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इतना कुछ अच्छा लगा सब जो भी लाइट लाइट के जो थर्मोकॉल लेके खड़े होते उन लोग के फेस पे एक मतलब एक स्माइल एडीज जो जो मॉनिटर को ऐसे देख रहे देयर वाज अ स्माइल और कुछ नहीं हो रहा था सिर्फ कैमरा ट्रैक हो रहा था बट देयर वाज अ मोमेंट आई कैन नॉट इट्स मैजिकल मैजिकल मोमेंट I really felt very, very beautiful on that day. Some people roe, I think. I remember Baman left the set and he went to the vanity van. I ran to his vanity van and I hugged him and I cried like a baby. We don't know why. We don't know why. जब आप सूट पहन के निकलते हैं वो सीन के बाद आई डोंट नो व्हाई सीन खत्म हो गया ये मैंने भी चले गए और इतना इतना ब्यूटीफुल सीन हो गया कि कुछ कुछ बोलने को रहा ही नहीं बट इट्स लाइक यू नो दैट फुलफिलमेंट ऑफ जॉय यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस दैट
आपकी फिल्म भी ऑडियंस को रुलाती है? आपने तो फिल्म देखी है. हाँ, मतलब मैं खुद भी रोता हूँ, मैं खुद भी हंसता हूँ, खुद भी रोता हूँ. मैंने इतनी बार देखी है, अभी भी रोना आता. तो I'm sure it will. I hope it touches. आपको रुलाना इतना मुश्किल है? He's a cry baby. No, cry baby is a bad word. He's an emotional guy. Emotional guy. अभी बाहर जाके रोएगा तुम लोग. अच्छा बोला. Good guy. शर्मन, इन्होंने तो बताया कि ये नर्वस नहीं है. He's only curious to know. आप नर्वस हैं? मतलब इस बार फिल्म का पूरा भार आपके शोल्डर्स पर है. इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, एक्चुअली आप दोनों के शोल्डर्स पर है. तो यू आर नर्वस कि आप भी इनकी तरह सिर्फ क्यूरियस है? यू नो, आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद द फैक्ट कि अभी हमारी सेवरल स्क्रीनिंग्स हो चुकी है. कल स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में, तो ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस हमें काफी हद तक मिले, विच आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्लीजिंग. Rather outstanding, if I may say so. And so one is feeling a little relaxed. Having said that, there's a sense of mellowness, a sense of a little tinge of sadness, okay, this wonderful journey is now coming to an end. Having said that, for sure, sense of excitement to hai hai. There are still sense of butterflies in the tummy, because finally when it goes out to that huge, to the entire country and overseas, when the film will be out there, one is eagerly waiting the responses. Baman ji, aap trial reports par kitna vishwas karte hain? A tricky question hai actually, kyunki I've been to trials. Lekin kabhi kabhi trial mein main aise bhi trial mein gaya hu jahan pe aisa lagta hai ki someone has died. ऐसे भी होता और ऐसे भी ट्रायल्स होते हैं. बोला बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा, क्या साउंड था, क्या तो सब कुछ. सीट के बारे में बात करेंगे, एसी के बारे में बात करेंगे, फिल्म के बारे में, फिल्म बारे में कमाल था. और क्या बनाया नया ये प्रीव्यू थिएटर यार, साउंड 5.1 वेरी नाइस. तो ऐसे भी होता है, लोग झूठ भी बोलते, सफेद झूठ भी बोल लेते. लेकिन आई थिंक कि जब हम चेहरे देखते हैं ड्यूरिंग अ ट्रायल एंड people were genuinely in the film, listening, choking, sometimes crying, sometimes laughing, sometimes just feeling sad, sometimes feeling happy. I think those you cannot orchestrate. Wo white lies mein nahi hote. Aur aane ke baad, yesterday one lady, theater owner's mother. Ye Delhi ki baat kar rahe hain. Delhi ki baat. Sharman ko pakad ke, it's a blessing. No, I just want to say this. It was so beautiful. Baman and me both were in tears. She just came there, looked at me, eye contact, caressed one cheek, caressed the other cheek, caressed my hair. Took a pause, took a moment, kept looking at my face. Then suddenly she gathered courage and she went ahead and hugged me. How and sweet. Came back out on that, did this gesture jo karte hain, hum nazar na lage. Nazar na lage. And she just looked and smiled and she said, and she left. It's not a single sweet. Word exchange and not a word was said. Now, I don't think wo safed jhoot wala hai. Hoi nahi sakta. Hoi nahi sakta. And a lady of that age, an elderly lady. She never watches Hindi films. She's a theater owner's mom. Never watches Hindi films. She's watching the film for the maybe after many years. And I was just watching what she was doing to Sharman. Yeah. I said, my God, come to me, please. Yeah, and then I went to her. Hello, I directed the film, please. So she said, ah, beta. I felt so good, you know. It was a lovely feeling. I also was in tears. She was so gracious and beautiful. Yeah. That too, actually. That is all that matters to us. Yeah. Even if that exactly. one person, correct. If that kind of reaction, it is all worth it. Correct. It's all worth it. Exactly. Rajesh ji, mujhe ye bataiye, is film ki kahani aapko, matlab kab dimag mein aayi, story idea ne kab janm liya, kab se aap soch rahe hain ki ye film banayenge? Story idea during jab Munna Bhai MBBS ka post production chal, main Munna Bhai MBBS pe as a chief assistant director tha Raju ki film pe. Matlab first Munna Bhai first Munna se aapke dimag mein ye hai? Ha, wahan se wo mujhe story idea aaya tha. Jo maine Raju ko sirf one line mein sunaya tha, Raju ne bola bahut acha idea hai, usko develop karna shuru kar. To phir itna samay kyon lag gaya? Kyunki us waqt idea aaya tha, fir maine likha kuch nahi tha. Raju kehta tha likh
पर मैं श्योर नहीं था मुझे फिल्म बनानी है लाइफ में. मतलब आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे, आप श्योर नहीं थे? नहीं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर से ज्यादा वो राजू दोस्त है, तो वो दोस्त को हेल्प करने के चक्कर में मैंने वो फिल्म में काम करना शुरू किया था. तो श्योर नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था कि फीचर फिल्म बनती कैसे. मैंने एडवर्टाइजिंग में बहुत साल काम किया राजू के साथ. राजू और मेरी हमारी कंपनी थी दोनों की, मेरी भी कंपनी थी उसकी भी थी दोनों. जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, राजू मतलब राजकुमार हिरानी, शॉर्ट में राजू. या राजू अपना राजू. हाँ, तो बस उसको हेल्प करने के लिए मैंने वो फिल्म ली थी. मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था कि फीचर फिल्म होती कैसे, हिंदी फिल्म बनती कैसे. तो मैंने उसको हेल्प किया वो फिल्म में, और फिर बाद में वो आइडिया आना शुरू हो गया. मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये आइडिया आया पर अच्छा है. फिर राजू बोला इसको डेवलप कर. बोला नहीं यार, बोला लिख. बोला यार लिखूंगा, बड़ा लिखना मतलब मेरे लिए बहुत बोरिंग लगता था मुझे. फिर राजू बोला कि अरे और एक फिल्म कर रहे हैं. अरे बोला नहीं यार, एक कर ली और कहाँ करें, बहुत टाइम लगता है. 2 साल लिखना, 1.5 साल बनाना, फिर क्रॉस प्रोडक्शन. मेरे पास पेशेंस नहीं है. पर मुझे लगता है कहीं वो थोड़ा चस्का लग गया था, तो वो मैंने दूसरी लगेरो भी शुरू की उसके साथ. फिर वो एक्चुअली कब मैं वो उसमें घुस गया और फिर वो स्टोरी घूमना शुरू हो गई. और फिर एक दिन आया लगेरो के बाद, जब मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी टू जस्ट पुट इट ऑन द पेपर. मैंने एक दिन पेपर पे डाल दी, राजू को सुना दी. राजू बोला विनोद को एक बार बता दे, विद विनोद चोपड़ा. और फिर आगे नहीं नहीं, मच बिफोर. अच्छा, लगे पोस्ट लगे रहे ओनली. तो जब आप कहानी लिख रहे थे तो इस किरदार के लिए आपने बम्मन ईरानी को माइंड में रखा था? मेरे पास कहानी भी नहीं थी तभी मैंने इसको कंफर्म कर दिया कि ये मेरे को फिल्म में चाहिए. क्या बात है, ये इनका सफेद झूठ है, कह दो. सफेद झूठ नहीं है, सफेद झूठ नहीं हो सकता. और शर्मन कैसे आए इस कहानी में? एक्चुअली जब थ्री इडियट्स बन रही थी तभी एक्चुअली मेरा भी स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस चल रहा था. और क्या, जब स्क्रिप्टिंग करते हो तो जिसके साथ थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है तो उसको थोड़ा बाउंस करते हो कि अरे यार सुनना, मेरे पास कहानी है. करेक्ट. ऐसे जरूरी नहीं कि आप कुछ करोगे उसके लिए, ऐसे सो आई वॉज शेयरिंग दैट विद मेनी पीपल. तो एक शर्मन, मैं वैनिटी वैन में उसको कभी बुलाने गया था, ऑल इज वेल शूट हो रहा था. तब मैंने 5 मिनट उसके साथ बैठ के मैंने कह दिया कि ऐसा ऐसा कुछ है. इसने कहा कि मैंने सुनी तेरी फरारी की स्टोरी, बहुत अच्छी है, क्या है? तो मैंने थोड़ा सा सुना दिया ऐसे ऐसे है. तो बोले यार वेरी नाइस सर, आई इवन लव द टाइटल, बहुत अच्छा है फरारी की सवारी. ऐसे करके मैं निकल गया वैनिटी वैन से. मैं जैसे निकला मैं बोला यार ये सही रहेगा क्या अपना वो बाप के किरदार के लिए. तो बोला यार लगता तो बड़ा यंग है, क्योंकि वो उस टाइम पे उसने पूरा बॉडी वेट भी लूज किया था, पतला हो गया था. पर आई यूज़ टू लाइक हिम एज एन एक्टर, आई ऑलवेज ऑब्जर्व हिम ऑन थ्री इडियट्स सेट एंड आई यूज़ टू रियली लाइक हिम. आई यूज़ टू लाइक हिज परफॉर्मेंस. नॉट जस्ट यू, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल लाइक हिम. यू नो, सो हाउ ही यूज़ टू बी क्वाइट ड्यूरिंग रिहर्सल एंड आई यूज़ टू वॉच कि अब ये क्या करेगा, ये कुछ करेगा, ये टेक में कुछ मैजिक करेगा. आई यूज़ टू वेट फॉर दैट मोमेंट एंड आई यूज़ टू रियली डू दैट मैजिक एंड ब्रिंग द लाइफ. आई रिमेंबर थ्री इडियट्स में एक छोटा सीक्वेंस था जहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं सारे जो, वो ग्रेजुएट होते हैं और इनकी जो माँ है, जिन्होंने माँ का किरदार किया है वो थ्री इडियट्स में, तो उसमें बस वो माँ और बेटे दोनों को हग करना है. और वो सीन में आपको बता नहीं सकता, ये दोनों ने जो परफॉर्म किया है, वो माँ ने भी और इसने, वो दोनों ने हग किया, वो अलग हो गए और फिर से हग किया. मैं और राजू रोने लगे, मैं तो मॉनिटर छोड़कर भाग गया. हम लोग सब वी वर ऑल क्राइंग ओवर क्राइंग. मैं बोला यार ये क्या परफॉर्मर है यार, ये कहां से आ गया. और मैं जाके दूर कोने में जाके, पहले मैं तो बहुत रोया 15 मिनट तक मैं रोया, अपने आप को मैंने संभाला. फिर मैं उसके पास आया, फिर मैं बोला तू यार क्या कमाल एक्टर है. ऐसा कैसा चीफ असिस्टेंट 15 मिनट बार बार काम कर भाई काम. हाँ, रोने बैठ जाते, रोने बैठ जाते यार तुम लोग, गेट सीरियस अबाउट योर वर्क. फिर वो जब थ्री डेज क्या कह रहा हूँ, फरारी की जब कहानी कंप्लीट हुई थी एंड दैट टाइम देन इवन शर्मन आल्सो वॉलंटियर की चल यार मैं I'll try, let me also give audition. तो वो बातें करते करते फिर वो
बातें कर रहे थे, ऐसा कैरेक्टर होगा, वैसा होगा, एंड ही वॉज क्वाइट ओपन कि तू ट्राई कर, नहीं होगा तो क्या यार, नहीं करेंगे ना, तो ट्राई तो कर. ही वॉज दैट वर क्वाइट जनरस एंड ओपन अबाउट द कैरेक्टर एंड प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द फिल्म. तो फिर बातें होगी, तो फिर बोला एक काम करते हैं, उसको कैमरा पे शूट करते हैं. तो शूट किया, फिर नेक्स्ट डे आया कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, तो मैं भी सोचने लगा. तो हम दोनों ने साथ में सोचना शुरू कर दिया. ऐसे करते करते पता नहीं कितने 30-40 ऑडिशन उसके हो गए. और तब तक मैं रेडी नहीं था. वो मुझे ही ऑल्सो केप क्वाइट, कभी पूछा नहीं क्या लग रहा है, कभी नहीं पूछा, चुपचाप रहा, परफॉर्म किया, बातें किया, चले गए, ऐसा करता रहा. आई थिंक दैट पेशेंस पेड हिम. एक बार मैंने देखा कि यार ये तो बाप लग ही रहा है. नेवर सेड वन वर्ड. एवरी डे वुड कम एंड गिव वन बॉटल ऑफ स्कॉच. और मुझे एक बात और बताइए, देयर सो मच ऑफ स्पेक्युलेशन कि सचिन तेंदुलकर की फरारी तो है, सचिन तेंदुलकर फिल्म में है, कोई बोलता है नहीं है. आप बताइए, इट्स जस्ट अ फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ दैट द फिल्म विल हिट द स्क्रीन्स, सचिन तेंदुलकर आपकी फिल्म में है या नहीं है? अभी है कि नहीं आई डोंट नो, वो वर्जन अभी तक मैंने देखा नहीं है. आई डोंट नो बट शायद है या जो फैशन चल रहा है. सीक्वल 15 जून. अच्छा, मैंने सोचा सीक्वल में. नहीं राजीव जी, आप बोलो. लेट दैट बी द सस्पेंस, अदरवाइज तो सस्पेंस नहीं है. लेट दैट बी द सस्पेंस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे राजेश मापुसकर, द राइटर डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द राइटर्स ऑफ फिरारी की सवारी, बमन ईरानी एंड शर्मन जोशी. इनकी फिल्म कल रिलीज हो रही है. सो यू नो वॉट यू गॉट टू डू दिस वीकेंड. ऑफकोर्स Go for a ride in this Ferrari. And suspense angle है. Suspense ये है कि सचिन तेंदुलकर फिल्म में है या नहीं है. We are not going to reveal. Actually हमें भी नहीं पता क्योंकि हमने फिल्म देखी भी नहीं है अब तक. तो आपकी तरह हमें भी कल ही पता चलेगा. This weekend it's booked for Ferrari की सवारी.